हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? आई होप आप लोग का रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा। हमारे यहाँ 2 दिन रक्षाबंधन मनाया गया। पहले दिन का व्लॉग आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया, मेरे ससुराल में कैसे रक्षाबंधन मनाया गया था। शरण्या की पहली राखी थी, बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं थोड़ा लेट सो के उठी थी, लाइक 10:30 बज गया था, क्योंकि रात में लोग बहुत लेट सोए थे। और तो मैंने फटाफट से मैंने सोचा कि पहले नाश्ता मैं बना देती हूँ। नाश्ते के लिए मतलब मैंने पहले जो मैं सुबह सुबह एक ड्रिंक पीती हूँ वो मैं बना रही हूँ, साथ ही साथ मैं अरवी चढ़ा दूँगी, क्योंकि अरवी की सब्ज़ी और पराठे बनने हैं। ये देखिए मेरे रूम की हालत ये हो रखी है। और साथ ही साथ मैं वर्कआउट भी करती रहूँगी, अपना रूम भी साफ़ किया मैंने जल्दी जल्दी से, और वर्कआउट मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी मैंने जो वर्कआउट्स हैं वो ना अच्छे तरीके से सीखने, तो 30 डेज़ का चैलेंज है, तब तक तो मैं सीख ही जाऊँगी, फिर मैं अच्छे से शेयर करूँगी। तो मैंने जल्दी से कपड़े तय कर दिए, उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट किया, अपना ड्रिंक पिया, यही सारी चीज़ें चल रही थी। एंड यस, और फिर उसके बाद आज मुझे जाना है अपने मायके। आज डे 2 है, तो मेरे मायके में दूसरे दिन यानी कि 12 तारीख को मनाया जाएगा रक्षाबंधन, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। तो फिर वही मैं अपना नाश्ता वास्ता तैयार कर रही थी। दादा बाय। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए मेरा आफ्टर वर्कआउट फेस, थोड़ा सा पसीना होता है ना तो बहुत मज़ा आती है। मैं एकदम फ़ैन वैन ऑफ करके तब करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे पराठे भी बन रहे हैं, नाश्ता रेडी है। नाश्ता पानी सब कुछ डन, घर का काम हो चुका है ऑलमोस्ट सब कुछ। और अभी मैं चल रही हूँ वीडियो एडिट कर देने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और घर जाने पे वहाँ पे टाइम मिले कि ना मिले, और कितनी बजे मैं लौट के आऊँ, 10 बजे वीडियो भी अपलोड करनी होती है। और टेक्निकल रीज़न की वजह से ना एक एक घंटे 1.5 घंटे ले लेते हैं। अगर जितनी GB की वीडियो होती है, MB की वीडियोज़ होती हैं, उतना ही टाइम होता है अपलोड होने में। और गाँव में बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता है, तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती। जल्दी से एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, रेडी होंगी, बेटू को तैयार करना है, सब लोग रेडी वेडी होके आई थिंक 2-2.5 बजे तक निकलेंगे आराम से। और उसके पहले मुझे मम्मी को फोन करना पड़ेगा कि हम लोग कितने बजे। एंड गाइस जल्दी से रेडी होके हम लोग निकल चुके थे, 2:30 बज चुका था इस टाइम पे निकलते निकलते। एंड हम लोग आ चुके हैं अपनी कार में, यहाँ पे हम लोग ने मिठाई ली और हम पहुँच चुके हैं अपने घर। रूपा मौसी तुम्हारे बहुत चर्चे हैं व्लॉग में। रूपा मौसी हाय बोल दो। रूपा मौसी हो गई फेमस। रूपा मौसी फेमस हो गई हैं। गुड्डू मिल गया है रूपा मौसी से। नानी के हाँ गई क्या गुड्डे? क्या हो रहा है समझ नहीं आ। सो गाइज यहाँ पे चल रहा है हमारा राखी का रिचुअल्स। मेरा एक भाई नहीं है, वो है इस टाइम पे गांधीनगर में, उसकी जॉब है वहाँ पे, तो फिर वहाँ से आना उसका जल्दी जल्दी इतना इजी नहीं है। वो अब दिवाली पे ही आएगा, तो उसको मैंने वर्चुअल राखी भेज दी थी, मतलब उसको मैंने राखी भेज दी थी ऑनलाइन। एंड यहाँ पर मेरा एक ही भाई है, मैंने उसको वीडियो कॉल करने का ट्राई किया, बट वो ऑफिस में था इस टाइम पर, उसकी छुट्टी नहीं थी आज, तो यहाँ पर मैंने उसको ही, छोटे वाले भाई को ही राखी में बांध रही हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए ये सारे क्लिप्स में, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया क्लिप्स वगैरह बनाने में।
कहाँ चली सवारी? कहाँ? तो गए 4-5 घंटे कैसे निकल गए, हम लोग राखी भी बांध लिया, खाना पीना सब कुछ हो गया, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया। और यहाँ पे देखिए बेटू पापा के साथ खूब एंजॉय करी अपने नाना के साथ, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर ली थी। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा विदाई कर रही हैं, जो चावल वगैरह सब कुछ देते हैं वो सब चल रहा था, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। और हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि घर में आई थी दीदी एक और इनको राखी बांधने के लिए, तो उनको आप देखिए इसमें।